हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंडिया में 40% कंपनीज ऐसी हैं जो या तो बंद हो चुकी है या फिर लिक्विडेशन में चली गई है। मतलब कंपनी उसके ऑपरेशंस नहीं कर पा रही है जिस कारण वो अपने ऑपरेशंस क्लोज कर रही है, या फिर डॉर्मेंट स्टेटस ले रखा है। मतलब कि अभी उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल एसेट है जिसे वो होल्ड कर रही है और फ्यूचर में यूज लाने वाली, या फिर 2 साल तक एनुअल कंप्लायंस नहीं किया है, या फिर स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है। मतलब समय पे आरओसी कंप्लायंस नहीं कर पाने के कारण उन्हें आरओसी ने कई नोटिसेस दिए, जिसका जवाब नहीं मिलने के कारण आरओसी ने उन्हें रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं सीए शालिनी सोमानी आज डिस्कस करेंगे उन बाकी 60% कंपनीज के बारे में जो एक्टिव तो है लेकिन जिनमें से कई सारी डिफॉल्टर कंपनीज हैं, या फिर जिन्होंने केवाईसी कंप्लीट डायरेक्टर्स की नहीं करी है और उन्हीं के लिए खास सीएफएसएस 2020 स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है। पिछले वीडियो में मैंने सीएफएसएस स्कीम के बारे में बताया था, कुछ डिटेल्स शेयर करी थी कि ये स्कीम किसके लिए बेनिफिशियल है और इसकी वैलिडिटी कब तक है। आज हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ट्रेड के अलग अलग सेक्टर्स से रिप्रेजेंटेशंस आने लगे थे एमसीए को कि जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स में विवाद से विश्वास स्कीम निकाली गई थी, इनडायरेक्ट टैक्स में सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम निकाली गई थी, उसी तरह से कंपनीज और LLPs को भी एक मौका मिलना चाहिए वापस फिर से नई शुरुआत करने का, जिसके तहत MCA ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी। जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये जो फिगर्स जो मैंने अभी आपको बताया, इनके एग्जैक्ट फिगर्स के लिए आप MCA का न्यूज़लेटर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्जैक्ट फिगर्स मिल जाएंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, ये स्कीम जब आप प्रैक्टिकली लागू करने जा रहे हैं तो आपको पता है लॉकडाउन में आप लोगों के पास ना तो घर में प्रिंटर्स अवेलेबल होंगे, ना ही ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के घर में प्रिंटर्स अवेलेबल होंगे। तो एक समस्या ये आ रही होगी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो डॉक्यूमेंट्स एनुअल फाइलिंग में साइन करके देने हैं, उसे प्रिंट आउट निकाल के साइन करके स्कैन करके अपलोड कैसे करेंगे या वापस सीए को कैसे पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत इजी आंसर है। जिस तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट डिजिटली साइन करने के लिए अलाउ किया है, दैट इज थ्रू DSC, उसी तरह से आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स DSC से साइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें पेनल्टी का एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है। जो मेन 3 फॉर्म्स है उसमें से 2 फॉर्म्स है AOC-4 MGT-7, जिसमें आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं। ये फॉर्म की एक दिन की लेट पेनल्टी है ₹100। तो जरा सोचिए फ्रेंड्स कि ₹200 अगर आपके दिन के लग रहे हैं सिर्फ ये 2 फॉर्म्स में, तो साल भर के 365 दिन में ₹200 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी पेनल्टी हो जाती है करीब 73,000। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करें फॉर्म ADT-1 की, जिसमें आप ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, तो उसकी फीस शेयर कैपिटल के हिसाब से चेंज होती है। यानी अगर आपका शेयर कैपिटल विद इन 1,00,000 to 4,99,999 के बीच में फॉल होता है, तो आपके लिए ADT फॉर्म ADT-1 की फीस है ₹300। और अगर आप लेट होते हैं तो जितने दिन लेट होते हैं उतनी गुना पेनल्टी बढ़ती है। जैसे कि अगर ये फॉर्म फाइल करने में आपको 6 महीने से ज़्यादा लग जाता है, डिले हो जाता है, तो ये फॉर्म की फीस 12 गुना हो जाती है। यानी कि ₹300 का फॉर्म अगर 6 महीने तक नहीं भरते हो तो ये ₹300 का फॉर्म आपको ₹3600 में पड़ता है। तो टोटल फीस अगर मान लेते हैं आपने सिर्फ 1 साल का डिफॉल्ट किया है, तीनों फॉर्म्स को मिला के आपकी फीस 76,600 हो जाती है। और इसी के सामने अगर हम ये स्कीम की बात करें कि ये स्कीम में आपको कितनी फीस लगेगी, गवर्नमेंट फीस स्पेसिफिकली, नॉट प्रोफेशनल फीस, तो 3 फॉर्म के ₹300 अगर हम जोड़े तो ₹900 में आप अपनी कंपनी को
कंप्लाइंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी ने एक्टिव कंप्लाइंस स्टेटस नहीं किया तो आपको 10,000 की पेनल्टी लगती, और डायरेक्टर्स, दोनों डायरेक्टर्स का केवाईसी नहीं करा होता तो आपको और 10,000 की पेनल्टी लगती, तो करीब 20,000 तो इसकी पेनल्टी लग जाती। 76,000 प्लस ये 20,000 की पेनल्टी करीब 1,00,000 के आसपास आपका खर्चा बैठ जाता अपनी कंपनी को वापस लाइन पे लाने के लिए। इसीलिए फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपकी पूरी एडिशनल पेनल्टी वेव हो चुकी है। इसे बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। आप या आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनकी कंपनी डिफॉल्टिंग स्टेटस में है और जिनको इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनका स्टेटस स्ट्राइक ऑफ हो चुका हो, लेकिन अगर आप स्ट्राइक ऑफ की लिस्ट चेक करेंगे MCA पे तो वो 2014 के बाद अपडेटेड ही नहीं है। 31 दिसंबर 2014 को वो लास्ट अपडेट हुई थी, तो हो सकता है आपका नाम स्ट्राइक ऑफ की लिस्ट में ना मिले। तो इसीलिए बेटर है कि एक बार आप पहले अपना मास्टर डेटा MCA पे चेक करवा ले कि आपकी कंपनी का स्टेटस क्या है। अगर स्ट्राइक ऑफ है तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है, आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। थैंक यू।